माया नारोलिया को भाजपा ने बनाया मध्य प्रदेश से राज्यसभा उम्मीदवार। राज्यसभा उम्मीदवार बनने के बाद मीडिया से हुई रूबरू, माया नारोलिया ने भाजपा केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व का जताया आभार। छोटे कार्यकर्ता के बारे में हमें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं होती, पार्टी सब समझती है। मैं ग्राम पंचायत के पंच के चुनाव लड़कर मैंने अपनी राजनीतिक शुरुआत की थी और निरंतर उस पद चिन्हों पर चलते हुए भारतीय जनता पार्टी के एक छोटे कार्यकर्ता के रूप में काम करते करते भारतीय जनता पार्टी ने कब मुझे महिला मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। दीदी वाले भी मैं खुद आश्चर्यचकित थी जब मुझे महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। ये हमारा भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का, हमारे प्रदेश नेतृत्व का, हमारे पार्टी के सभी सम्माननीय पदाधिकारीगणों का। एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं बहुत अभिनंदन करती हूँ और बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी, जैसा कि हम सब लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है, तो परिवार की तरह भारतीय जनता पार्टी का हमारा दल कार्यकर्ताओं के सदस्यों की चिंता भी करता है। सब कुछ आपके पक्ष में रहता है तो प्राथमिकताएं क्या होंगी? हमारी प्राथमिकता यही होंगी कि हमारी सरकार, मध्य प्रदेश में भी हमारी सरकार है, केंद्र में भी हमारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार काम कर रही है। हम सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम भी करेंगे और हमारे क्षेत्र की जो भी समस्या होंगी उनको भी आगे लाकर काम करेंगे। और हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो इस समय काम कर रहा है देश के अंदर, अभूतपूर्व काम कर रहे हैं। भारत की जो व्यवस्था है, हम खुद देख रहे थे कि पहले भी हम देखते थे, लेकिन जब से नरेंद्र मोदी जी आए, जब से बहुत बेहतर काम हमारे देश के अंदर हो रहा है। और उन्होंने ये संकल्प लिया है कि जब तक आत्मनिर्भर भारत तो बन चुका है, लेकिन जब तक भारत माता को परम वैभव पर ना पहुंचाएंगे, तब तक हमारे प्रधानमंत्री जी निरंतर करते रहेंगे। हम भी एक कार्यकर्ता के रूप में उनके पद चिन्हों पर चलते हुए हमारे संगठन के निर्देश के अनुसार, हमारे पार्टी के निर्देश के अनुसार और हमारी सरकार के कामों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। धन्यवाद।